हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर गाइस फाइन, एब्सोल्युटली वेल यू आर। बज गए हैं 8, यहाँ पे बच्चे पार्टी रेडी हो गई है। गुड मॉर्निंग हर्षिल, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम फाइन। और यहाँ पे है आयुष, आयुष्णा भी मंदिर पे दर्शन कर रहा था, अभी उसका दर्शन हो गया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हाउ आर यू? फाइन। चलो अभी कृष्णा का वो जो भजन है ना, वो उसकी एक लाइन गाते हैं ना, चलो स्टार्ट करो। श्री कृष्णा की, हाँ ओके, चलो तीनों के तीनों स्टार्ट करते हैं। ओके, तो थ्री जीरो बोलो। ओके, 3 2 1 0। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओके, दैट्स इट, इतना इन लोगों को आता है। सो अच्छे से गाना भी, अभी तो मेरा ही आवाज आया है, आप दोनों का थोड़ा कम आया है, तो मैंने ना अभी मैं वो लोग ना घर में जब गाते हैं ना तब जोर जोर से गाते हैं, ब्लेस यू। और अभी जैसे बारी आई, ब्लेस यू, अभी बारी आई गाने की तो थोड़ा क्वाइट हो गए, लेकिन घर में अच्छे से वो लोग ये वाली कड़ी ना बहुत बढ़िया गाते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो लोग उस देखो ये ना अभी गाता है, अभी इसको ना इसके मुंह पे ये वाला, फिर वो कौन सा था, हाँ ये भगवादारी जो आता है ना, वो वाला आता है हनुमान जी का, फिर वो ना राम जी का भी आता है, वो की जो केसरी का लाल, वो भी इसको अच्छे से बहुत बैठ गया। देखो सो ये ना अभी यही गुनगुनाता रहता है, तो अच्छा लगता है मुझे ये जब बोलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। चलो अभी जल्दी जल्दी मैं ना कोट पहन लेती हूँ, बाहर थोड़ा ठंडी है, मुझे स्कूल ले जाना है, छोड़। कितना अच्छे से बोला, मुझे स्कूल जाना है, चलो मामा चलो। इस काइंड ऑफ पंजाबी स्टॉकिंग ये ना ये लर्निंग कर रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि ये ना इसने स्टार्टिंग कर दिया है हिंदी में बात करने का, क्योंकि क्या है कि हम यूज्ड टू घर में गुजराती बोलते हैं, तो गुजराती ही आता है हमारे बच्चे को, हिंदी तो आती नहीं है। सो मेरे बच्चे को हिंदी नहीं आती है, मेरे सिस्टर के बच्चे को भी हिंदी नहीं आती है, और भाभी के बेटी को भी नहीं आती है, तो ये ना अभी सीख रहा है, तो कोई नहीं, वो तो स्टार्टिंग तो किया है, कोई नहीं। हाँ जो पंद्रह खाई जो हर्ष ले रहे, किसको ले रहे, खरगोश गुजराती में, खरगोश हिंदी में, खरगोश गुजराती में, किसको ली इंग्लिश में, स्क्वायरल। तो वो भी यहाँ से, ओ वाह जंप किया, देखो उसने, देसी यार हार आ देखा ही जो स्टॉप थे गी सिया क्या बैठीस, हाँ ओली बिल कहते, हाँ चलो गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग वॉक करके आ गए हैं ऑलमोस्ट, अभी तो जल्दी बोल, कितने बजे है, 9:01, वाह तो ऑलमोस्ट हमारा वॉक इतना फास्ट हुआ है आज के, क्या बताऊँ मैं, कुछ बताना चाहते हैं वॉक के बारे में, कितने स्पीड में आए हैं, बहुत ही स्पीड में, 100 की स्पीड में आए हैं। चलो मैं आगे जाती हूँ, चलो दोनों को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, कैसे हो काला कौवा, पहले लोग, हाँ पहले ना लंदन में जब हमसे पहले जो आए थे ना बोलते थे लंदन में काला कौवा नहीं दिखता है, लंदन में पैरट नहीं दिखता है, लंदन में माखी नहीं दिखती है, वहाँ पे कीड़िया नहीं दिखती है, है ना, सुना है मैंने, सुना है आप लोगों को पता नहीं है, सुना है, सुना है शायद, पैरट भी नहीं है, जैसे जितने इंडिया में पक्षी है ना वो यहाँ पे दिखते नहीं है, इधर उधर घूमते हैं ऐसे नहीं दिखते, तो सब ये आली जैसे, ओ चलो जी दोनों को मॉर्निंग मॉर्निंग, बात काट दी थी आप दोनों की, जय श्री कृष्णा, कैसे हो दोनों, अच्छे अच्छे है, बुढ़े है, सब अच्छे है, अच्छे है, अच्छे है,
चलो भाई आज की दो लाइनें बता दो अभी। आज जो आज की जो अच्छी लाइन है मनसा में गौर फरमाइएगा, प्लीज गौर से सुनिएगा और फिर दिल से सुनेंगे। जहाँ रिश्ते की बात आती है वहाँ झुक जाइए, पर बार बार हमें ही झुकना पड़े तो रुक जाइए। सही बात है। क्या और है आगे? इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है। शॉर्ट एंड स्वीट, अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि हर बार हमें झुकना पड़ेगा, हमें झुकना अच्छा नहीं लगता है ना, बार बार नहीं अच्छा लगता, बार बार अच्छा नहीं लगता है। हर बार तो फिर अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, होती है, अपनी भी है, अपनी तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाओ। हम सोचते हैं कि तो चलो भाई फैमिली की बात है तो चलो हम झुक जाते हैं, झुक जाते हैं, झुक जाते हैं, लेकिन हद के बार मत झुकना। क्या झुकने की भी एक हद होती है, लिमिट होती है, लिमिट होती है। अच्छी लाइन अच्छी है, बहुत ही प्यारी सी लाइन, मुझे बहुत पसंद है। तो आपको नहीं, मुझे भी पसंद है, इनको भी पसंद है, बहुत पसंद आई। क्या मनसा बहन? हाँ बहुत अच्छी। कितना झुकना चाहिए? थोड़ा सा झुकना चाहिए। अगर मनसा बहन हमेशा कहते कि कोई हमें इतना मतलब ऐसे एक हाथ जितना वो करे तो हम इतना झुक जाते हैं, फिर इससे आगे नहीं हो सकता। इससे आगे नहीं होगा, फिर जो हमारा करे उसका करने का। बिल्कुल, हमारे को प्यार से बुलाए, उसके पास जाने का, आने का, आने का, बोलने का, उसके लिए तो मर मिट जाओ यार। ऐसा है, जो हमारा घर आ गया है, घर आ गया है तो आप आ सकते हो। हम आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे, आना तो है, आना तो है, लेकिन कब आए वो पता नहीं है। चलो भाई, जय श्री कृष्णा। काले काले, हाँ कोई नहीं। चलो अभी जागृति बहन का तो घर आ गया है, मैं और मनसा बहन जा रहे हैं, सभी कंटिन्यू व्लॉग में तक रहना। ये जी गाइस, अभी निकल गए हैं हम लोग कैलस्कोपिक करके घर पे आके वापस शॉपिंग के लिए। सो पहला हमारा शॉपिंग होगा लिडल में। सो ये है हमारा स्वामीनारायण मंदिर, कितना बढ़िया दिख रहा है देखो। देखो लिडल में हम सब लोग एक साथ हो गए हैं, दीदी भी आ गए हैं लिडल में शॉपिंग के लिए। आप किधर जाने वाले थे? टाउन में जाने वाले थे? पहले टाउन में जाने वाले थे, पहले टाउन में तो अभी गए नहीं है, तो हम लोग को भी जाना है। चलो जल्दी जल्दी लेके आओ शॉपिंग, दूध लेना है और बच्चा पार्टी घर पे छोटा वाला सो गया। चलो भाई नेपी वगैरह ले लेते, अभी नेपर ले लो। हाँ वो वाला, चलो इधर है वसन, इसको लेके जाओ। तो भाई फैशन मानी करे छे हमारे, जाओ ने देखो अभी इसकी चलने की स्टाइल ही अलग है। मम्मी जैसी है कि डैडी जैसी? उसके मामा की जैसी है, मामा ने सिखा दिया इसको। इधर इधर आ जा, मम्मी ने डैडी को मुंह छोड़ दिया और मामा को छिस दिया। आया किधर भाई? देखो यहाँ पे बच गए है डेड होर, यहाँ पे हमारा शॉपिंग हो गया है फाइनली फिनिश्ड। सब शॉपिंग इधर उधर पूरे हफ्ते का सब कुछ आ गया है। चलिए जी अभी रख देते हैं इसको अपने अपनी जगह पे, उसके बाद ना कंटिन्यू करते हैं। तो जी गाइस देखो अभी हस्बैंड जी ना विंडो क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, अभी देखो ऊपर से करके आ गए, अभी नीचे की बारी है और पीछे का भी बाकी है। और मैं ना आज ना हर्षिल को लेने जा रही हूँ साइकिल लेके, कई दिनों से बोल रहा था मम्मी साइकिल लेके मुझे लेने आना, तो मैं ना अभी जाने वाली हूँ साइकिल लेके। तो पूरा क्लीनिंग का काम अभी चल रहा है, सो वी कंटिन्यू एंड तक। तो जी गाइस देखो अभी यहाँ पे चल रहा है क्लीनिंग, पीछे का हो गया ना, हो गया पीछे का, ओके जल्दी जल्दी हो गया। मैं हर्षिल को पिक करके आई तो ये ना हो गया है, और ऊपर से ऊपर क्या किया है देखो, वहाँ पे ये ना जो गटेड चीज को निकाल दिया है, सब इसको फिक्स करने में अभी लगे। ये देखो यहाँ पे ये ना निकल गई है, इसी के साथ कनेक्ट थी लेकिन ये ना निकल गई है, इसको फिक्स कर रहे हैं ये। और ये भाई साहब देखो कितनी मज़ा ले रहा है, इसको पानी में बहुत मज़ा आता है। अभी फिर से वापस जाएंगे ऊपर, और इसको पाछे निकला हुआ, उसको वहाँ पे उन लोगों ने वो नहीं किया है,
उसको करना था ना, ये इजीली निकल जाता है, उसके नीचे पाइप वगैरह कुछ लगाना था। वही तो भाई, फाइनली अभी ये हो चुका है वो ना, अभी उसको चिपका दिया है देखो अच्छे से थोड़ा, और अभी लेडर जा रही है, अभी फिक्सिंग हो रही है, और आज इस लेडर को बाय बाय भी करने वाले है ना। ये हमारे हमारे मामा के घर की है, ये मामा के घर पे जाएगी अभी, फिलहाल इधर रखते हैं अभी, तो इस डोर को क्लोज करना है। और ये भैंस आपको देखते हैं पूरा नहीं 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 देखो, यहाँ पे मैंने खाना बना रही थी, बस पे 3:30 हसर को लेके आ गई, बाहर का विंडो भी साफ हो गया है, अब क्लीनिंग भी हो चुका है, यहाँ पे रख दिया है गाय, ये बनेगा गोल्डन पापलेट, साथ ही साथ चिकन विंग्स भी होएगा, और यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है, तो तड़के में मैंने गार्लिक पेस्ट डाला है, और ये ना गुआर बोलते हैं इसको, गुआर को ऑयल में थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे हमारा मसाला ले लिया है, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर एंड नीचे ना हल्दी पाउडर है, पानी डाल के थोड़ा मिक्स कर लूँगी। और घर में चल रहा है हेयर कटिंग, तो यहाँ पे ना हेयर कटिंग चल रहा है, ये भाई सब नाच रोने में लगा हुआ है, इसके हो जाएगा। इसके बाद इस भाई साहब की बारी है ना, देखो इसके हेयर कितने बड़े हो चुके हैं, इधर दिखा इधर, ये साइड के तो इतने बड़े बड़े लग रहे हैं कि क्या बताऊँ मैं, देखो अब जब अभी देख लो और हेयर कटिंग होएगा उसके बाद देखना हर्षिल का लुक चेंज हो जाएगा, बेहान का भी लुक चेंज हो जाएगा। हमारे हस्बैंड जी तीनों बच्चों को घर पे ही यूजुअली हेयर कटिंग करते हैं, तो हस्बैंड जी यूजुअली घर पे ही हेयर कटिंग करते हैं, और आज भाई साहब नहीं है, उसका हेयर कटिंग होएगा कल, क्योंकि वो ना दीदी के घर पे चला गया है, तो उसका हेयर कटिंग की बारी है कल, तो कल इसकी बारी, ये दोनों भाई साहब की आज बारी। चलिए जी भाई, बच गए हैं 5 और खाना भी हो चुका है रेडी, और अभी लास्ट में बारी है चिकन विंग्स की, सो विंग्स बन रहा है, और यहाँ पे देखो हस्बैंड जी ऑलरेडी खाने के लिए बैठ गए हैं, ये भाई साहब एप्पल खा रहा है, और यहाँ पे विंग्स को मैंने तो आज ना मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है, और थोड़े थोड़े ऑयल में थोड़ा थोड़ा पकाऊँगी। यूजली क्या होता है कि पूरा वो ना जो पैन होता है ना वो भर के तेल का तेल भर के उसमें ना फिर पकाते हैं, तो बहुत ज़्यादा तेल फिर रह जाता है, तो वो ना फिर हम वेजिटेबल सब्जी में नहीं डालते हैं, तो नॉनवेज में डालना पड़ता है, तो आज हमें थोड़ा सा ही मैंने ये लिया है, ताकि थोड़ा थोड़ा हम नॉनवेज बनाए तब हम यूज़ कर ले, और वेज में हम नहीं डालते थे ऑयल, तो इसलिए मैंने आज थोड़ा सा ही इसमें यूज किया है, थोड़े में ही अभी चलेंगे। देखो बाहर बारिश स्टार्ट है, यहाँ से पता चलेगा थोड़ी थोड़ी आ रही है, और वेदर क्लियर है फिर भी बारिश आ रही है, ये इसके ऊपर बादल है ना वहाँ से आ रही है, इधर देखो क्लियर है पूरा, तो बारिश के मौसम में लोग ना भजिया बनाते हैं, हम ना अभी यहाँ बारिश के मौसम में ये देखो यहाँ पे चिकन विंग चल रहे है, हमारे को अलग ही है देखो, बारिश के मौसम में भजिया मिर्चा बर्चा बर्फा तड़के फिर देखने का होता फैमिली के साथ, और यहाँ पे हम चिकन विंग्स के साथ देखेंगे फैमिली के साथ, तो बारिश है तो बारिश में जाए तो जाए कहाँ भी। सनसेट होने वाला है, 8:30 हो गए हैं, फिर भी इतना सनसेट दिख रहा है, अभी तक तो ऊपर ही है, इतना ज़्यादा नीचे नहीं गया है, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे टाइम भी बढ़ेगा, ऑलरेडी 8:30 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 9:30 हो जाएगा सनसेट होते होते, कितना बढ़िया दिख रहा है। तो जी हमारी बच्चा पार्टी सब हस्बैंड जी सबको लेके जा रहे हैं आगे आगे, दोनों भाई साहब के पास साइकिल है, आयुष बेचारे के पास 2 पहिए की साइकिल है, उसके पास
जा रहे हैं फर्स्ट एंड फर्स्ट, मैं ना पीछे रही। तो भाई चलो अभी आज की व्लॉग अभी यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आपकी व्लॉग पसंद आई, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड जल्दी जल्दी नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलेंगे नए व्लॉग में, एंड बाय बाय, जय श्री कृष्णा।